फलन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी फलन का प्रतिलोम तभी होता है जब फलन एकक की ओर आच्छादक होता है। ये कंडीशन आपको सभी क्लास 11th में पढ़ा दी गई है। फलन कब एकक होता है, कब आच्छादक होता है, और यहाँ पर ये प्रतिलोमवृत्ति फलन जो है वो आपके इस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनको साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर लिखा जाता है साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स जो है एक कोण का मान होता है जब साइन एक्स एक संख्या होती है और साइन इनवर्स एक्स एक कोण का मान होता है। इन वृत्ति प्रतिलोम फलनों के प्रांत और परिसर निर्धारित किए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। फलन प्रांत परिसर साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत माइनस एक्स, एक परिसर माइनस पाई बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स माइनस थ्री, जीरो से पाई, कोसेक इनवर्स एक्स आर माइनस वन माइनस पाई बाई टू जीरो sec inverse x r 0 pi by 2 tan inverse x r tan inverse r pi by 2 cot inverse x r 0 pi। इनके ये प्रांत हैं, ये परिसर हैं, इनको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं और इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। जो क्लोज ब्रैकेट होता है उसके तो अंदर शामिल होते हैं, क्लोज ब्रैकेट होता है वो उसके शामिल नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार उनके ये प्रांत और परिसर है। इसमें इनका मुख्य मान इन्हीं के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसके लिए मुख्य मान के लिए कुछ सूत्र निर्धारित हैं, यदि वो हमको हम ध्यान में रखेंगे तो उनके मुख्य मान इन्हीं के अंतर्गत निकलेंगे। वो सूत्र इस प्रकार है, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सूत्र, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फाइव माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम अपने प्रथम चतुर्थांश में ही मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकल आते हैं। यदि हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो हम इन सूत्रों को लगा दें तो ये मुख्य मान निकल कर निश्चित ही वो अपने परिसर में ही होंगे, तो इनको ये हमको ध्यान रखना होगा। अब कुछ जनरल बातें हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो हम एक्स बराबर लिखते हैं साइन एक्स, और साइन इनवर्स एक्स माइनस वन इसको बराबर लिखते हैं साइन एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स का इनवर्स बराबर नहीं होता है। ये तो एक फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं होती है। अब उसके आगे इनमें और भी संबंध हैं, वो इस प्रकार है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर लिखा जाता है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर लिखा जाता है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स cot x बराबर x, sec इनवर्स x sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec इनवर्स cosec x बराबर x। मुख्य मान निकालते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वैल्यू उस परिसर के अंतर्गत आ रही है कि नहीं, तो इसको इस प्रकार यहां पर साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो बराबर माइनस साइन इनवर्स एक बटे दो, ये हम टेबल में देखें तो एक बटे दो जो मान होता है वो साइन तीस डिग्री का होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस पाई बाई सिक्स, और साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। यदि आप इस सूत्र के अनुसार देखें इसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू टू पाई बाई थ्री आएगी, जब ये वैल्यू टू पाई बाई थ्री आएगी तो ये माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू में विलोम नहीं करेगी, तो इसलिए ये परिसर गलत, इसलिए ये मुख्य मान गलत हो जाएगा, तो इसलिए उस परिसर के अंतर्गत आना चाहिए।
इसलिए इसको हम हल करेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री। साइन 180 माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 180 माइनस थीटा ये जो लिखा जाएगा वो तो साइन पाई बाय थ्री लिखा जाएगा। और अब हम यहाँ पर इस सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं तो ये वैल्यू आपकी पाई बाय थ्री आएगी तो ये उसी परिसर के अंतर्गत आएगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हम जो वैल्यू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स किसी भी वैल्यू निकाल रहे हैं जो उसका जो परिसर है उसका जो मुख्य मान है उसके अंतर्गत आ रही है कि नहीं, इनको सूत्रों का प्रयोग करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे इस प्रकार और भी सूत्र है, इनमें संबंध है। ये आपके इस प्रकार साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स बलबट्टे एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स बलबट्टे एक्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स बलबट्टे एक्स। आगे ये इस प्रकार में संबंध है। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। इनको आप आसान से सिद्ध कर सकते हैं, यदि आपको त्रिकोणमिति के सूत्र आते हैं तो ये आप उनको आसान से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इसको आपको ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू, इसलिए हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा माना कॉस थीटा बराबर एक्स और थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पर समीकरण एक से एक्स बराबर साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये इधर साइन ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू माइनस थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू रखने पर ये आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। तो इस प्रकार हम तीनों को सिद्ध कर सकते हैं, जिस प्रकार ये सिद्ध किया यहाँ पर इसी प्रकार हम इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं, इनको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार अब आगे
अब इसमें कुछ सूत्र है इस प्रकार, तो जिसमें ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपको त्रिकोणमिति सूत्र तैयार है तो इनको आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन एन कॉस को साइन के पदों में चेंज करें, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन बी। अब यहां पर माना साइन ए बराबर एक्स, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स और साइन बी बराबर वाई, तो बी बराबर साइन इनवर्स वाई। तो इसको इस प्रकार साइन ए प्लस बी बराबर एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इस प्रकार ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यदि सूत्रों को भूल जाते हैं तो इलेवेंथ में जो त्रिकोणमिति में पढ़ाए गए हैं उनके द्वारा हम इनको लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर एक्स अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ए प्लस बी, अब ए प्लस बी की वैल्यू यहां से रखेंगे, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, बी बराबर रखेंगे साइन इनवर्स वाई। तो इस प्रकार हम यहां पर ये वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। अब आगे दूसरा सूत्र इसी में है, इसका दूसरा सूत्र इसी में है, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपका यहां से दूसरा सूत्र इस प्रकार है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं, एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ये वाई,
माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इसे भी आप साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी के सूत्र से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका माइनस का है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। इसके आगे अब आपको कल पढ़ाएंगे टेन के सूत्र हैं। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के टेबल जीरो से नब्बे तक की सभी को याद होनी चाहिए और इलेवेंथ में जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं वो भी याद होने चाहिए। अब जो रह गया उसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। लाइक कैमरा एक्शन।